और नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सरांज। तो आज हमारा वापस जाने का दिन है दिल्ली। बुरा लग रहा है यार, ऐसे 3 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना कि जो पल खुशियों के होते हैं वो जल्दी बीत जाते हैं, ये बात सच हो गई। चलो अभी मैं तो नहा लिया हूँ, अभी मम्मी और पीनू नहाने हैं, पापा नहा के थोड़ा सा अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। ओह फटाफट से यार अभी निकलेंगे थोड़ी देर बाद, जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा। चलो बाद में मिलते हैं। लोग जा रहे थे, मैं गाड़ी के पास आ गया सामान लगाने के लिए। लगा क्या है? अच्छा, अच्छा रुको मैं सामान लगा लेता हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय अम्मा। बाय बाय। चलो बाबा अंदर है, बाबा से मिल के आते हैं। बाबा अच्छा अब हम जा रहे हैं। बाय बाय। बाय लागू। चलो बाय बाय। हाँ ध्यान रखना अपना, ठीक है? और फोन पे बताना सही हो जाओ तो। चलो बाबा से ही मिल लिए, अब जा रहे हैं हम दिल्ली। चलो अम्मा बाय। अब कब आएगा? सर्दियों की छुट्टी में देखते, जब भी चक्कर लगेगा आ जाऊंगा। जल्दी आ जाइए बाबा, भेजते नहीं बनना, मैं तो आ जाऊँ हर सैटरडे संडे। अच्छा। तो पापा अभी गए हैं सामने वाली शॉप पे शूज लेने के लिए। उन्हें शूज की जरूरत थी तो कह रहे मैं ले आता हूँ। और जो ये बार बार गाड़ियाँ जा रहे, और देख वहाँ पे एक रेड शूज पड़ा है, देखो भाई ज़ूम करके दिखाइए। हाँ ये वाला जो रेड शूज है पीनू के लिए तुम्हें पसंद, ये वाला पीनू के लिए पसंद आ रहा है, लेकिन हम जाएंगे नहीं क्योंकि फिर पापा गुस्सा करेंगे। अभी हम लोग रुके हैं क्योंकि हम लोग वापस जा रहे थे, सबके लिए दिवाली की मिठाई भी लेनी है। तो हम लोग आ गए हैं पंछी पेठा पे, सबसे फेमस पेठा आगरा का। पेठे लेने सबके लिए, हम आ गए पंछी पेठा पे सबके लिए पेठे लेने के लिए। यहाँ हमेशा इतनी भीड़ रहती है। चलो मम्मी क्या क्या लेना है जल्दी बोलो। यहाँ पे आ गए, हम तो लिस्ट बना के आए थे लेकिन मम्मी कंफ्यूज हो गई आके कि लेना क्या क्या है। वो जल्दी से ले लेते हैं। अभी हमारी सारी मिठाइयाँ पैक हो गई हैं। अब चलो भैया से पैक पॉलिथिन में डाल दो, लेके घर निकलते हैं। आगरा हो तो ज़रूर आके पंछी पेठा लेना भाई। डेली चलो गाड़ी में बैठ के निकलते हैं दिल्ली के लिए। ये सबसे बड़ा काम है मिठाइयाँ लेना। धुआं सा लग रहा है बाबा, ये पॉल्यूशन है कि कोहरा है। चलो भैया अच्छा यहाँ पे फास्ट ट्रैक शुरू हो गया है। हमारी बगल वाली गाड़ी पे एक डॉग भी जा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। वो ये तो बहुत क्यूट है यार। के बाल देख, बाल देखो इसके। आगे अगर गाय ना तो इसका जरूर फास्ट से बनाएंगे अगर एक मिले तो। चला गया। हम तो जल्दी चला गए क्योंकि फास्ट टैग वाली लाइन में है ना, वो इसलिए। कौन चला गया? तो हम लोग मथुरा के टोल पे पहुंच गए और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे पहुँचते ही मौसम भी थोड़ा ठंडा सा हो गया है। और ये तो नॉर्मल कैश वाली लेन है, लेकिन जो फास्ट टैग वाली लेन है वो पीछे तक है। कहाँ पर करेंगे? तो अभी यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है। और मेरा नाटक आने वाला है 2-3 गाड़ियों के बाद अपने टर्न। चलो अच्छा। मिलते हैं आप सबसे बाद में। वैसे यहाँ का मौसम तो बहुत प्यारा होता है, मैं शीशा खोल के दिखा देता हूँ क्या ही प्यारा मौसम हो रहा है। चलो मिलते हैं आप सबसे बाद में। तो अभी हम लोग तीसरे टोल पे पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे फास्टैग की लाइन आप देखना कितनी पहले से लगना शुरू हो गई है। ये देखो ये सारी फास्टैग की लाइन है।
भाई साहब आ गए तो यहाँ तो पता नहीं समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है कि गाड़ियाँ फास्टैग वाली में जा रही हैं कैश वाली में जा रही हैं समझ में ही नहीं आ रहा है ये फास्टैग की लाइन मैं पूछ रही है चौक कर ये हमारे आगे जा रहा है यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है लास्ट वाले टोल पे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है पता नहीं क्यों अभी हम लोगों को पता चला दिक्कत इतना टाइम क्यों लग रहा है जो हमारी ये जो लेफ्ट वाली जो लाइन है ये भी हमारी लाइन में आगे आके मिक्स हो रही है जैसे आप देख सकते हो सामने वाली जो गाड़ी है वो इधर ही ला रहे हैं यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा अपनी लाइन में रहो दूसरी लाइन में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप मम्मी जी इस बारे में मम्मी तो बैठी है मम्मी जी क्या कहेंगे अच्छा तो आप क्या कहना चाहेंगे बस 5 मिनट पापा और मम्मी मुंह पे प्लीज टेप और आंखों पे टेप और कानों पे टेप लगा दी जाए क्यों फिर लाइन सीधी हो जाएंगी अरे देखते हैं भाई कब तक रहता है ये तो यहाँ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है तो भैया सब लोग टोल से क्लियर हो गए सारी गाड़ियों में रेस शुरू हो जाएगी हमारी गाड़ी सबसे आगे हो किसी का शीशा खुला हुआ है क्या हाँ मेरा So I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art, it's my only medicine Yeah, everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in तो हम लोग दिल्ली आ गए हैं अभी अभी एक्सप्रेस वे उतरे हैं और आते ही जाम मिल गया बहुत ज़्यादा आते ही दिल्ली की खुशखबर आते ही ट्रैफिक मिल गया अभी तो बहुत दूर है अभी तो DND पे भी ट्रैफिक मिलेगा काफ़ी मतलब देखते हैं कितनी देर में क्लियर होगा सब अपने घर लौट रहे होंगे संडे को ट्रैफिक थोड़ी मिलना चाहिए संडे को सब अपने घर में होते हैं ऐसे अगर हम किसी और दिन आते तो ऑफिस आवर्स होते हैं ये छूटने के तो हम समझ सकते हैं इतना ट्रैफिक ये फाइनली घर पहुँच गए हम लोग ट्रैफिक ने तो मार डाला बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग अब घर पे जाएंगे घर पे जाके सबसे पहले ही आज तो मैं भी एक कप बढ़िया सी अदरक वाली चाय उसके बाद मैं सो जाऊँगा चलो घर वाली गली आ गई घर आ गया सामान उतारते फटाफट से मम्मी हम लोग आ गए घर पे सबसे पहले पापा का वॉलेट ढूंढो वॉलेट कहाँ है पापा का क्योंकि पापा वहाँ ले जाना ही भूल गए थे आगरा वो कह रहे हैं यहाँ पे घर पे होगा आप घर पे ढूंढते हैं कहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका पर्स मिल गया हम डर गए थे कि पर्स कहाँ गया मतलब पापा के बैग में ही था चाय आ गई है अब पराठे भी आ रहे हैं आलू के जो हम आगरा से लाए थे मम्मी जा रहे हैं मेरे स्कूल की विंटर यूनिफॉर्म लेने क्योंकि कल स्कूल जाना है अभी रात में जा रहे हैं चलो यहाँ पे ठंड बहुत है यार वहाँ गर्मी बहुत ही है ठंड बहुत है आए थे ड्रेस लेने लेकिन मम्मी अलग ही नाप तोल कर रही हैं ड्रेस में भी एक साइज लिया था वो सही नहीं आया था मतलब थोड़ा सा अच्छा लाओ खोल दो फिर पहन के देखूँ ले ली यूनिफॉर्म हमने उसकी पैंट थोड़ी सी लूज मतलब पैंट जो मिली थी वो थोड़ी सी लूज़ हो रही थी तो उसे फटाफट टेबल पे जाके टाइट करवा के आए चलो भाई अब चलते हैं घर पे चलो भाई अब आ गया हमारा डिनर खिचड़ी सब खाओ खिचड़ी साथ में अनुपमा क्या कर रही हो तुम रात में क्या ढूंढ रहे हो थोड़ा सा सामान रखा हूँ यार इतना सामान हो गया है ना थोड़ा सामान सेट करना पड़ेगा मुझे ठीक है भैया मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना नहीं मैं कर लूँगी ओके भैया हम लोग मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं जा रहा हूँ सोने मतलब एडिटिंग करने आज वाईफाई आज कोई दिक्कत नहीं होगी और अब बारी इस व्लॉग को एंड करने की व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को भी प्रेस करना और ये वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना तो ठीक है आज के लिए हो गया मिलते हैं कल तब तक के लिए गुड नाइट टेक केयर एंड बाय बाय मिलेंगे कल सुबह एक नई तरक्ते व्लॉग के साथ।